हम अपने सारे दुख दर्द परेशानियाँ चिंताएँ तनाव रोग उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं। देखिए शरीर के स्वास्थ्य के लिए मन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तो मन को ठीक करने के लिए जो भी अनुभव हो बस उन्हें देखते जाना। हम सभी एक ही प्रक्रिया से गुजरेंगे लेकिन सभी के अनुभव अलग अलग होंगे, ठीक ऐसे जैसे ये हमारा जीवन है। सभी की यात्रा एक ही तरह से शुरू होती है और एक ही तरह से समाप्त होती है, लेकिन हम सब के अनुभव अलग होते हैं। हर अपेक्षा को छोड़कर ध्यान का आनंद लें, कोई प्रयास ना करें, बिल्कुल प्रयास रहित हो जाएं। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, ये सांसों का आना और जाना अनादिकाल से चला आ रहा है। देखते रहें, अपनी ही सांसों को एक दृष्टा की तरह मानो आप अपने ही सामने बैठकर अपने आप को देख रहे हो। सांसों का आना और जाना, लगातार सांसों को देखने से महसूस करें आपकी सांसें बहुत धीमी हो गई हैं। सांसों के धीमी होने से मन शांत होता जा रहा है। देखें इस वक्त आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। कई बार हम आंखें बंद करके बैठे होते हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर उड़ता रहता है। देखें इस समय आपका मन कहाँ है। मन में अपार शक्तियाँ हैं, वो एक पल में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। देखें आपका मन इस वक्त कहाँ है। सिर्फ देखना है, मन को पकड़ने का प्रयास न करें। किसी भी विचार को रोके नहीं, जितना आप रोकेंगे उतना वो आपसे दूर भागेगा। छोड़ दें, बस देखें अपने मन में आते जाते विचारों को। कोई प्रयास न करें,
ध्यान फिर से सांसों पर लाएं। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। इतना सुंदर अनुभव। चेहरे पर एक मुस्कान रखें और आभार प्रकट करें इन सांसों के लिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम खुद अपने आप सांसें ले पा रहे हैं। अहो भाग्य हमारा। इस अहोभाव से आज के इस दिन की सुंदर शुरुआत करते हैं। ये विशेष दिन जो हमें मिला है फिर से जीने के लिए, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज का ये सूरज देख पा रहे हैं। कितने ही लोग हैं जो आज नहीं उठे। अहो भाग्य हमारा। इस अहोभाव के साथ दिन की शुरुआत करें। फिर से ध्यान अपने विचारों पर ले जाएं। देखें आपका मन इस समय कहाँ है। हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है। सब कुछ करते हुए हमें एक निगाह अपने इस मन पर रखनी है। चाहे हम ध्यान में हो या अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हो, एक निगाह हमेशा इस छोटे बच्चे पर। फिर से ध्यान सांसों पर। सांस आ रही है और सांस जा रही है। सांसों का आना जाना लगातार हमें जीवन देता है। आज हम ध्यान के एक सुंदर अनुभव की तरफ चलते हैं। इस अनुभव को आपको अपनी कल्पना के अनुसार महसूस करते जाना है। देखें अपने आप को आंखें बंद रखते हुए, ध्यान करते हुए, मन की आंखों से अपने ही शरीर को देखें। आप ध्यान अवस्था में बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं। देखते जाएं कि आप आंखें खोल देते हैं और खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। चलना शुरू करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। देखें अपने आप को चलते हुए,
अपने ही घर से बाहर आते हुए चलते जाएं, थोड़ी दूर और चलें और अब आप देखें कि आपके सामने नीला समंदर है। सिर्फ देखते जाना है, किसी भी चीज का विश्लेषण ना करें, देखते जाएं। आप चलते हुए एक नीले समुंदर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप इस समय नंगे पैर हैं। चलना शुरू करें समुंदर की रेत पर। समुंदर के किनारे किनारे चलते जाएं, सुनहरी बालू रेत पर, मिट्टी के कणों को अपने पैरों पर महसूस करें, मिट्टी की दरदराहट को पैरों पर महसूस करें। समुद्र के शोर को महसूस करें, सुने अपने कानों में लहरों के शोर को। चलते जाएं, चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट रखते हुए। ये भोर का समय, सामने उगता हुआ सूरज, दिन की इससे खूबसूरत शुरुआत और क्या हो सकती है। देखें अपने आप को समुद्र के किनारे चलते हुए, सामने उगता हुआ लाल सूरज जो हमें ये संदेश दे रहा है कि हर रात के बाद बहुत खूबसूरत सुबह होती है। हमारे जीवन में चाहे जो कुछ चल रहा हो, जैसी भी परिस्थिति हो, उसके बाद हमेशा एक बहुत खूबसूरत सुबह आना तय है। अब आप एक जगह आकर बैठ जाते हैं, बहुत ही आराम से उसी बालू रेत पर समुद्र के किनारे। लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक ऐसे जैसे आपकी सांसें चल रही हैं। सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। लहरें आती हैं और समुद्र के किनारे को छूकर चली जाती हैं। जैसे लहरें किनारे पर आकर सारा कचरा अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, ठीक वैसे हमारी सांसें शरीर में जाकर सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, सारे तनाव, सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द, सारे रोग इन सांसों के साथ बहते जाते हैं। महसूस करें, देखते रहें अपने आप को समुंदर के किनारे बैठे, सूर्योदय का आनंद लेते हुए। सूरज की किरणें
पानी पर गिर रही हैं। पानी इन सुनहरी किरणों के गिरने से चमक रहा है, मानो सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर नाच रही हों। देखें इस सुंदर दृश्य को, लहरों को आते और जाते हुए। आप जहां पर बैठे हैं वहां की रेत हल्की सी गीली है और आप इस रेत में अपनी उंगलियों से जो चाहे लिख सकते हैं। इस समय आपके मन में जो भी विचार है, जो आपको लगता है कि ये चिंता मेरे जीवन में मुझे प्रसन्न नहीं रहने देती, उसे अपनी उंगली से इस रेत पर लिख दें। जो कुछ भी आप अपने जीवन से मिटाना चाहते हैं, लिखें अपनी उंगली से इस गीली मिट्टी पर। और उसे साफ साफ देखें, जो भी आपने लिखा है, जो आप जीवन से हटाना चाहते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करें, देखते रहें जो कुछ भी आपने लिखा है। और अब आप देखते हैं कि समुद्र की एक लहर आती है और जो आपने लिखा था उसे मिटाकर चली जाती है। मानो ये परेशानी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए आज समाप्त हो गई है। यही जीवन है। कुछ देर के लिए परेशानी आती है लेकिन वो स्थायी नहीं होती। जैसे ये लहरें जो आपने लिखा था उसे मिटाकर अपने साथ ले गईं, ठीक वैसे ये जीवन की धारा हर चीज़ को, हर बुरे समय को अपने साथ मिटा के ले जाती है। अगर और कोई चिंता आपको अभी भी सता रही है तो फिर से लिखें उसे इस मिट्टी पर अपने हाथों से। आपकी हर चिंता, हर परेशानी इन लहरों के साथ बहती जा रही है। देखें अपने सारे तनाव, सारी चिंताओं को इन लहरों के साथ बहते हुए। अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान देखें। हर लहर के साथ आपका मन हल्का होता जा रहा है।
आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। जीवन की सारी परेशानियों को आज इस समुंदर में बह जाने दें, तनाव मुक्त हो जाएं। आनंद से भर जाएं। ये सुंदर दृश्य, उगता हुआ सूरज, समुद्र के किनारे बैठे हुए आप अपनी सारी चिंताओं को इस समुंदर में बहाते हुए अहोभाव के साथ कि आज हम अपने सारे दुख दर्द, परेशानियाँ, चिंताएँ, तनाव, रोग उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे लिए हमेशा काम करती है। महसूस करें उस परम शक्ति को जो आज आपके साथ है। अपने आप को शांत महसूस करें। जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। अब आप धीरे से खड़े हो जाते हैं और फिर से वापस चलना शुरू करते हैं। देखें अपने आप को समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए, पैरों में रेत के स्पर्श को महसूस करें, कानों में लहरों के शोर को सुने। हवा की ताजगी को शरीर पर महसूस करें। चलते रहें नंगे पैर वापस अपने घर की तरफ, और चलते हुए वापस आकर अपने मैट पर बैठ जाएं, या जहां भी आप ध्यान लगा रहे हैं देखें अपने आप को फिर से वहीं पर बैठे हुए। आपकी आंखें बंद हैं, सांसें चल रही हैं, देखें अपने आप को ध्यान की अवस्था में। फिर से अपने मन को देखें, इस समय आपका मन कहाँ है? अपनी सांसों पर आ जाएं, देखें अपनी सांसों को, वो कितनी शांत है, कितनी गहरी है। आपकी सांसें इस वक्त ठीक ऐसी चल रही हैं जैसे एक शांत समुद्र में लहरें चलती हैं, बहुत आराम से। महसूस करें मन में आई इस शांति को। वो
पूरा शरीर ताजगी से भरा हुआ, मन एकदम शांत, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, जिसमें ना कोई चिंता है ना कोई तनाव, सिर्फ आनंद की अनुभूति। आप पूरी तरह से तैयार हैं आज के सुंदर दिन के लिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज का ये दिन हमारे भविष्य की नींव है। आज जो भी हम काम करेंगे वो हमारे कल को निर्धारित करेगा। महसूस करें मन की शांत अवस्था को। इन सांसों के लिए हम उस परम पिता परमेश्वर का आभार प्रकट करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए आभार प्रकट करें। जीवन ने हमें एक और मौका दिया, एक और दिन दिया जीने के लिए। बहुत बहुत आभार। फिर से ध्यान सांसों पर और एक लंबा गहरा सांस लें। और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। आज के इस ध्यान से अपने आप में आए बदलाव को महसूस करें। देखें अपने मन में आई शांति को, पॉजिटिविटी को फील करें। एक और बार लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। अपने परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। और मेरे साथ कहें, ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। धीरे धीरे जब आपका मन हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड स्माइल। मैं मधु चौधरी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।